कर लो फोटो ना, मैं खाना बोल रहा हूँ। हमें फील रहा हूँ। ले लो यार, ले लो। हम प्लीज थोड़ा सा किया और बस हाँ। ये हमें किया। ये प्लीज। या, नो प्रॉब्लम। हमें किया। दिस कौन है हमें? तो थोड़ा अदर पीछे आएगा क्या? पता नहीं क्या हो रहा है। फेड यो ये नंतर को फ्रेंड चाले माझे काढून हो गया ना। थैंक यू। अरे तुम आगे मत जाओ यार, इकडे हो जाऊं की ना। इस हाँ जी, the collaboration has been amazing with Hong Kong Tourism, and I think the pictures that I posted are a good reflection of it, because when you're really enjoying and you're really having fun where you are, so it just doesn't become a mere promotion. It's like you're living actually that city, and that was the whole idea, to tell people that Hong Kong is beyond just Disney World, because there's so much more, I think, and the coherence of the amalgamation of Western and the Eastern culture that you'll find there, with so many activities to do, so many places to explore, the ancient temples, the monasteries, to kayaking, to the water sport, to the Aqua Luna. So there's so much history to that place, and at the same time it's one of the most modern cities in the world. So it was amazing. It's still to be continued, dot dot dot. One memory you always wanted to look forward but you haven't completed in Hong Kong. Memory? There's so many memories, and I think the food for me, a vacation or wherever actually we go, I have a terrible sweet tooth, so, and for me food is really really important. So the food was amazing, and what a variety of palate and cuisines that you'll find there, but the authentic traditional Cantonese food. And trust me, I even tried the Indian food there, because being Indians, we were just one day away from the flight, and I was like, आज इंडियन खाए. सो द होल एक्सपीरियंस हैज बीन रियली रियली अमेजिंग. वहाँ पे क्योंकि वी वर लिटिल क्रंच्ड ऑन टाइम, तो सिर्फ कयाकिंग सीख पाई मैं वहाँ पे. तो फटाफट 10 मिनट में मैंने मेरी बहन हमने कयाकिंग सीखी,
और हम लोग बैठ के चले गए और मुझे लग रहा है कि वाह, मतलब हम और आगे जाते हैं, अब तो आ गई, वाह, दिस इज सो अमेजिंग, इट्स सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. सडनली मुझे बहुत भार फील हो रहा था. मैंने कहा ये क्या हुआ, हम कुछ ज़्यादा आगे आ गए क्या, मतलब बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है. मेरी सिस्टर ने वो जो शार्प चप्पू होता है छोड़ दिया है, एंड शी इज जस्ट एक्सप्लोरिंग एंड शी जस्ट लेफ्ट इट ऑन मी. आई लाइक ऐसा नहीं है, वी कांट बी इन द मिडल ऑफ वाटर, कम लेट्स गो बैक. सो आई थिंक दैट होल एक्सपीरियंस वाज रियली फन. पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं आप वहाँ पे. यू हैव स्कीइंग देयर, यू हैव पैरासेल, यू हैव लॉट ऑफ एक्टिविटीज एक्चुअली विच यू कैन डू देयर. और मुझे बोला गया अगली बार जब आप आएँ तो सुबह सनराइज के वक्त आएँ, सुबह 5:30 बजे. उस टाइम लाइटिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है. तो नेक्स्ट टाइम लिटिल अर्ली मॉर्निंग, आई विल बी मोर पिक्चर्स नेक्स्ट टाइम. शूटिंग मैंने कभी वैसे शूट नहीं किया है वहाँ पे. सो आई डोंट नो. इट शूटिंग आई थिंक डिपेंड करता है आप किस तरह की फिल्म शूट कर रहे हैं, आपका क्या शेड्यूल है वहाँ पे, एंड आपका अरेंजमेंट कैसा है. आई फील अगर मुश्किलें आनी है वो कहीं भी आ सकती हैं, इंडिया में भी आ सकती हैं, इस शहर में भी आ सकती हैं, यहाँ इस वक्त भी आ सकती है. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ ऑर्गेनाइज योर टीम इज़. हम भी ऑफकोर्स वहाँ पे काम करने गए थे, बट बिकॉज एवरीथिंग हर कुछ काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, काफ़ी एक एक दिन में हम 3-4 जगह जाते थे. पर बहुत क्योंकि मज़ा आता था और अच्छी जगहें थी और अच्छे लोग थे तो फिर बहुत मज़ा आता. फॉर मी आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि जिनके साथ आप काम करें दे शुड बी नाइस पीपल, जिनके साथ आप बात कर सकें, आप कुछ एक्सचेंज कर सकें. सो आई बीन वेरी लकी इन दैट रिगार्ड. तो बट इट्स क्वाइट एन ईजी प्लेस. मैं ना ऐसी शॉपिंग करती हूँ कि मैं मेरे लिए बाहर कुर्सी किसी दुकान के नीचे लगा दीजिए और मुझे पूछ लीजिए क्या चाहिए, मैं ऐसे ऐसे करके यहीं बैठे बैठे मैं बता दूँगी मुझे ये सब चाहिए. आई एम दैट लेजी. बट जब मैं वहाँ पे शिमशैप हो गई, जो वहाँ की स्ट्रीट मार्केट है, वहाँ पे इतनी वैरायटी थी और मुझे सुविनर्स इकट्ठे करना बहुत अच्छा लगता है. जहाँ भी जाती हूँ वहाँ का कुछ एंटीक खरीदना, वहाँ पे इतनी सारी सुविनर शॉप्स थे. ऑफकोर्स शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें थी. खाना स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा अच्छा था. मेरे फेवरेट रहेंगे कार्टून डिमसम्स, मीठे डिमसम्स. मुझे लगा मीठे कैसे हो सकते हैं, बट मुझे किसी ने वॉर्न नहीं किया कि बहुत गर्म थे. मैंने खाए एंड मेरी जीभ जल गई, बट इट वॉज एब्सोल्युटली वर्थ क्योंकि दे वर वन ऑफ द मोस्ट यम्मीएस्ट. आई हेट दिस वर्ड बिकॉज मैंने स्कूल से यमी यमी सुना है, यमी की हो जाए. आई लाइक टू यूज़ इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दे वर यम यमी. वो तो फिर जब मैं करूँगी तभी बताऊँगी, ऐसे थोड़ी बताऊँगी. देखो मैं बचपन में बहुत ही बुरी ट्रैवलर थी. मैं नॉशियस फील करती थी. मैं पूरे रास्ते चंडीगढ़, मैं हिमाचल से हूँ, तो जब भी नानी के घर जाना होता था 4 घंटे का कार का ट्रैवल होता था. और मैं 4 घंटे मुझे सिर्फ ऑरेंज कैंडीज मेरी गोदी में होती थी क्योंकि मुझे आई यूज़ टू कीप थ्रोइंग अप, मुझे बहुत उल्टियाँ आती थी. आई यूज़ टू गेट वेरी नॉशियस. तो मेरी मम्मी ने मुझे स्कूल बस लगवा दी कि इसी रीज़न की और मेरा घर बहुत पास था स्कूल से. मैंने कहा स्कूल बस क्यों लगवा रही हो, क्या ज़रूरत है मुझे, आई फील सिक. शी इज़ लाइक व्हाट इफ तुम्हें लाइफ में ट्रैवल करना पड़े. मैंने कहा पर मुझे जो बनना है वेरी क्लियर, मेरी ऑफिस में जॉब होने वाली है, मुझे IAS बनना है, मुझे कहीं ट्रैवल नहीं करना है. एंड कट टू हियर वी आर लाइक कैसा लग रहा है. सो आई सेड थैंक यू मामा फॉर सॉर्टिंग मी बचपन में. तो बचपन मेरी यादें कुछ इस तरह की है. पर अब जो है मतलब कहीं भी मुझे कहीं जाना हो आई गेट वेरी एक्साइटेड क्योंकि और स्पेशली बेस्ट तरीका होता है किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने का ऑन फुट. आप ऑफकोर्स गाड़ी प्रैक्टिकली ऑफकोर्स आपको पहुँचा, इफ़ यू नीड ऑफकोर्स ए कार यू नीड अ कार, और एक्चुअली अदरवाइज बी वेरी कम्फर्टेबल वॉट यू आर ट्रैवलिंग. डोंट एंड जस्ट एक्सप्लोर. एंड ऑफकोर्स दिस इज़ वन टिप आई लाइक टू गिव. ऑफकोर्स आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, हम लोग भी पिक्चर्स खींचते हैं, पोस्ट करनी होती है, मैं ये अच्छी लग रही हूँ, ये एंगल ज़्यादा अच्छा है, ये सेल्फी ज़्यादा अच्छी है, अरे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है. बट 10-15 मिनट किया उसके बाद फ़ोन अपना बैग में रख दीजिए. जस्ट लीव इट, जस्ट लेट द सिटी एब्जॉर्ब यू. दैट्स और एनी प्लेस वेर एवर यू आर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट फ्रॉम यहाँ से हट के बस अब ऐसे ऐसे इधर उधर देख लीजिए. नहीं इतना घूमते फिरते नहीं जब काम करते. बट आई थिंक बिकॉज यू कैन सर्च एनी थिंग, यू कैन ऑलवेज गूगल वेर एवर आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ की हिस्ट्री. मुझे दोनों ही अगर कुछ ऐसी जगह है जिसकी कोई हिस्ट्री अटैच्ड है और ऑफकोर्स तो मुझे ऐसी जगह एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो या गेट योर होमवर्क सॉर्टेड एंड ऑलवेज टेक ऑन, ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद द लोकल, एनी बडी जो आपको हेल्प कर सकते हैं. आई वॉज रियली गुड फ्रेंड्स विद माई ड्राइवर इन सर्बिया, ही वॉज अमेजिंग.
He took us to the best of the places because wo local hai, nobody like a local person can guide you. So yeah. ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो ऑफकोर्स पूरी टीम बहुत खुश है. अभी टाइम है थोड़ा रिलीज में तो और भी आगे चल के बहुत बातें करेंगे बट ओवरऑल वेरी हैप्पी द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स द ट्रेलर हैज गार्नर्ड एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड ऑफकोर्स टू मच मोर. वी क्वाइट एक्साइटेड. नहीं, आई हैवन ट्रैवल्ड फॉर दिस मूवी एनी वे एंड एज आई सेड क्योंकि जैसे जैसे और प्रमोट करेंगे तो और बातें हमें भी याद आएंगे जब सबके साथ बैठेंगे तो तब बात करेंगे. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. Yeah. So much.